तमिलनाडु के मदुरै कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी। 3 अप्रैल तक तमिलनाडु पुलिस की हिरासत में रहेंगे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप के सहयोगियों की भी तलाश जारी। बिहार की बुलंद आवाज मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में मजदूरों के साथ कथित मारपीट का झूठा व फर्जी वीडियो दिखाने के मामले में मनीष कश्यप लगातार मुकदमे पर मुकदमा झेलते जा रहे हैं। इससे पहले इस मामले में मनीष कश्यप से ईओयू ने पूछताछ की थी, जिसके बाद मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया गया और इस मामले में पूछताछ की। तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ 13 मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु पुलिस ने अदालत में आवेदन करके मनीष कश्यप को तमिलनाडु की अदालत में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद अदालत ने तमिलनाडु पुलिस को 25 मार्च तक मदुरै की अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि मदुरै कोर्ट में पेश होने के बाद तमिलनाडु पुलिस 15 दिनों की रिमांड मांग सकती है। बिहार की बुलंद आवाज मनीष कश्यप को मदुरै की एक अदालत ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले मनीष कश्यप को बृहस्पतिवार को अदालत में पेश किया गया था। मदुरै पुलिस की अपराध शाखा ने मनीष कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मनीष कश्यप की तरफ से उनके वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ अलग अलग जगहों जैसे बिहार, मदुरै और तिरुपुर में समान अपराध में मामले दर्ज किए गए हैं। अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए दस्तावेज पेश किए बिना ही मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया था, लिहाजा उसे जमानत दी जानी चाहिए। इसके साथ ही अधिवक्ता ने कहा कि कश्यप को जांच के लिए पुलिस हिरासत में सौंपने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु सरकार ने कहा कि मनीष कश्यप के फर्जी वीडियो में लोगों के बीच शांति और भाईचारे की भावना को बहुत ही नुकसान पहुंचाया। सरकार ने कहा कि पुलिस मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ करेगी, तभी मामले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता का पता चल पाएगा। इसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मनीष कश्यप को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।